हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटके है। नॉर्मली मैं होम डेकोरेशन या फिर कुछ डीआईवाई या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस ही बनाती हूँ। ये कुछ हटके वीडियो है और ये फर्स्ट टाइम ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसी वीडियोस मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। एक्चुअली जो वीडियो है आपको पता तो चल ही गया होगा, प्लस साइज क्लोथ्स के ऊपर ये वीडियो है। जैसा कि थोड़ी हेल्दी हूँ मैं, थोड़ी नहीं, आई नो बहुत मोटी हूँ, बट इट्स ओके, आई लव माई सेल्फ। एक्चुअली मैं जितने भी कपड़े लेती हूँ मोस्टली मैं कपड़े स्टिच करवाती हूँ टेलर से या फिर खुद स्टिच करती हूँ। सो ये बहुत पहली बार है, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं ऑनलाइन कपड़ा मंगवाया है और प्लस साइज में मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगवाए हैं जो कि मेरे बिल्कुल फिटिंग के आए हैं। एंड आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल प्लस पॉइंट्स हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करी है क्लोथ्स के अंदर। इससे पहले मैंने कभी कपड़े नहीं मंगवाए थे। सो मैंने जो भी साइज मंगवाए हैं वो मैं आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। मैंने ज्यादा ड्रेसेस नहीं मंगवाई हैं, कुछ ड्रेसेस मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई हैं और ये जो मैंने पहनी हुई है ड्रेस, ये मैंने मंत्रा से मंगवाई है। इसका साइज डबल एक्सल है और आप देख सकते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही है। जितनी भी ड्रेसेस मैंने मंगवाई हैं, जो मुझे पिक्चर में दिखाया गया था, सेम वैसी ही ड्रेसेस हैं। अगर आप लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं क्योंकि मोस्टली प्लस साइज लेडीज को प्रॉब्लम होती है कि हमें कपड़े फिटिंग के नहीं मिलते हैं, और फिटिंग के मिलते भी हैं तो हमें हमारी चॉइस नहीं मिलती है। लेकिन मंत्रा पे जब मैं देख रही थी, अमेजोन पे मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही ये साइट्स एक्सप्लोर करी हैं, सो देर आर ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लस साइज सूट्स, इवन 3XL, 4XL, 5XL, 6XL भी हैं, बहुत सारे साइजेस हैं। एसएस मेरा साइज जो मुझे परफेक्ट लगा वो 2XL साइज परफेक्ट लगा। सो मैंने 2XL साइज मंत्रा से मंगवाया है। मैंने एक दो ड्रेसेस 3XL में भी मंगवाई हैं, सो वो ड्रेसेस भी मुझे परफेक्ट आई हैं। थोड़ी सी ढीली है लेकिन एसएस मुंबई में मैं थोड़े लूज क्लोथ्स ही पहनती हूँ, सो मुझे परफेक्ट लगे। एंड प्राइस वाइज भी मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस ली हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आई हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहली ड्रेस ये ब्लू कलर की शर्ट है जिसपे पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और एम्ब्रॉयडरी करी गई है इसके ऊपर, और बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी सिर्फ एक हैंड और फ्रंट गले में करी गई है, दूसरी हैंड पे एम्ब्रॉयडरी नहीं करी है इन्होंने, थोड़ा सा डिजाइनर लुक दिया है। कपड़ा बहुत पतला है, आपको इसके नीचे लाइनिंग पहननी पड़ेगी। अगर आप इसको एज अ वन पीस कैरी करना चाहते हैं तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए आपको इसके नीचे कुछ डालना पड़ेगा। या तो आप इसके नीचे प्लाजो पहन सकते हैं या फिर सलवार पहन सकते हैं या फिर लहंगा या फिर जीन्स, बट आपको इसके नीचे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। और अगर आप इसको एज अ वन पीस पहनना चाहते हैं तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, बट इट्स अप टू यू, इफ यू आर कंफर्टेबल लाइक मी देन यू कैन वेयर। नेक्स्ट ये जो मैंने पीस लिया है ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और इसका जो साइज है वो 3XL है। मुझे थोड़ा सा लूज लगा, अगर मैं 2XL मंगवाती तो परफेक्ट रहता, लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्लासी लुक लग रहा था, सो मैंने एक्सचेंज करवाया है। अभी नया आया नहीं है बट मैं उससे पहले आपको दिखा रही हूँ। सो 3XL साइज मुझे थोड़ा सा लूज लगा, मुझे थोड़ा सा बैक फिटिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी है, 2XL साइज में इसकी फिटिंग परफेक्ट रहेगी। ड्रेस बहुत अच्छी है, क्लासी है, अगर आप इसको एज अ वन पीस कैरी करना चाहते हैं तो दी बेस्ट ऑप्शन है। पिकनिक टाइप ड्रेस है, आप कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं तो इस तरीके की ड्रेस आराम से कैरी कर सकते हैं, या फिर घर में हल्की फुल्की पार्टी है तो भी आप इस तरीके की ड्रेस आराम से पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो ये है और बहुत ही प्यारी वन पीस गाउन कह सकते हैं, फ्रॉक कह सकते हैं, इन्होंने बाजू बनाई है, बहुत ही प्यारा बनाया है, फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, खुली डुल्ली है। मैंने 3XL ऑर्डर किया है जो कि मुझे थोड़ा सा लूज है, बट इट्स ओके, गर्मियों के हिसाब से परफेक्ट है। कपड़ा कॉटन नहीं है, थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स टाइप कपड़ा है, लेकिन बहुत ही प्यारा है।
सो नेक्स्ट पीस है ये ब्लू कलर की ड्रेस जो कि एज अ वन पीस बहुत ही स्मार्ट लुक देगी। कपड़ा थोड़ा सा पतला है लेकिन बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से उन्होंने प्राइस लिए हैं उस हिसाब से कपड़ा ठीक है। आफ्टर वॉश कैसा रहेगा मुझे नहीं मालूम, एंड कपड़े में रिंकल्स बहुत पड़ेंगे, मीन्स आपको हर बार इसको आयन करना पड़ेगा। एंड मैंने 3XL साइज ऑर्डर किया था जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट है और वैसे तो काफ़ी स्मार्ट लुक दे रहा है एंड काफ़ी लूज भी है, सो बहुत अच्छा है। सो अगर आप लेना चाहते हैं वन पीस हल्का फुल्का सा, कहीं भी गर्मियों में हमें थोड़ा बहुत कैरी करना पड़ता है तो आप कैरी कर सकते हैं इस तरीके की ड्रेसेस। एंड इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, सिंपल शर्ट लुक है, दो पॉकेट्स दी गई हैं इसके आगे और बहुत ही प्यारा है। फॉर्मल वेयर्स में भी आप पहन सकते हैं, इवन आप ऑफिस में भी इसको पहन सकते हैं। आप इसको चाहें तो बेल्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं और बिना बेल्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। मुझे बेल्ट हटाने के बाद ज़्यादा अच्छा लगा, लूज लगा। सो अगर आप पिकनिक में जाना चाहें तो बेस्ट ड्रेस है, और अगर ऑफिस पर्पज से देखें तो दी बेस्ट ड्रेस है। आप इसको जैकेट, आप इसको अपने ब्लेजर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट ड्रेस है, एकदम वेस्टर्न स्टाइल की बढ़िया सा आउटफिट है, सुपर दी बेस्ट। और स्पेशली अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जाना हो तो दी बेस्ट ड्रेस है। आगे जो बटन्स हैं वो सारे खुल जाते हैं और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। आप इस ड्रेस को एज अ जैकेट भी कैरी कर सकते हैं इसके नीचे इनर पहन के। सो आज के लिए इतना ही काफी है और मैंने जो भी ड्रेसेस ली थी आपके साथ शेयर करी है। सो आई होप आपको ये ड्रेसेस पसंद आई होंगी और सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। सो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं बनाई, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मैं जो आपके साथ एक कपड़ों का हॉल शेयर कर रही हूँ, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड एज सच मुझे तो ये कपड़े बहुत अच्छे लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू सो मच।